मसूरी के प्राइवेट स्कूल में दिखा तेंदुआ, दहशत में आए लोग। तेंदुए के आतंक में कैसे जिंदगी जिएंगे देवभूमि के लोग, अब हर जगह दिखने लगा तेंदुए का खौफ। यह कोई जंगल नहीं, प्राइवेट स्कूल परिसर है जहां तेंदुआ भागा जा रहा है। क्या कर रहा है उत्तराखंड का वन विभाग, तेंदुए की दहशत के बीच कैसे पढ़ेंगे बच्चे? उत्तराखंड में आए दिन तेंदुओं का खौफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तो हद ही हो गई है, क्योंकि इस बार ऐसी जगह पर तेंदुआ दिखा है जहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। ये तस्वीरें किसी जंगल की नहीं बल्कि मसूरी के एक प्राइवेट स्कूल की हैं, जिस परिसर में आम तौर पर बच्चे टहलते हुए दिखते हैं, उस परिसर में तेंदुए को घूमते हुए देखा गया है। तेंदुए की खबर मिलते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। लोग इस कदर खौफ के साए में हैं कि अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। स्कूल में तेंदुए की चहलकदमी ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। तेंदुए की खबर मिलते ही लोगों ने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और स्कूल के साथ साथ आसपास के इलाके की छानबीन की, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों को डर है कि कहीं अचानक फिर तेंदुआ स्कूल में न आ जाए, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की टीम भी लगातार तेंदुए को पकड़ने में लगी है। आसपास के जंगलों को खंगाला जा रहा है। विभाग के अधिकारी घने जंगलों में पहुंच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस तेंदुए को काबू में किया जा सके। इसके लिए वन विभाग की टीम ने एक प्लान बनाया है। स्कूल परिसर में पिंजरे लगा दिए हैं। टीमों को स्कूल के आसपास तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा वन विभाग ने स्कूल स्टाफ और बच्चों को सख्त हिदायत दी है कि रात के समय कोई भी बाहर ना निकले। डीएफओ अमित कंवर ने टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जी, इसमें हमें ये सेंट जॉर्ज कॉलेज जो एक स्कूल है उसमें एक लेपर्ड की जो है वो सूचना मॉर्निंग में मिली थी, और एक वीडियो भी इसमें जो है सर्कुलेट हो रहा है, जिसके क्रम में हमने अपनी टीम जो है वो एक मौके पर भेजी है। तो टीम द्वारा जो है वहाँ पे पूरे एरिया की जो है कॉम्बिंग की गई, तो कोई बाघ तो मतलब कोई लेपर्ड तो वहाँ पे नहीं पाया गया, लेकिन तब भी हमारी टीम जो है रात में भी जो है उस एरिया में निरंतर गश्त करेगी, जिससे कोई भी अगर ऐसी कोई मूवमेंट होगी लेपर्ड की तो उसमें फिर जो है हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम जो है वो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ में जो है वो लेस है, तो यदि कोई इस तरह की सिचुएशन आती है या किसी जान पर कोई खतरा होता है तो इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। जी, हमारे द्वारा जो है वो एक SOP जो है वो बनाई गई है, उसमें डूज और डोंट्स हैं कि क्या क्या सावधानियां बरती जानी है, उसके क्रम में भी जो है वो स्कूल प्रशासन को भी उससे जो है अवगत करा दिया गया है। उत्तराखंड में अब तेंदुए की दहशत हद पार करती जा रही है। वन विभाग की टीम तेंदुए की सूचना मिलने के बाद एक्शन तो लेती है, लेकिन इससे लोगों की जान का खतरा टला नहीं है। स्कूल परिसर में तेंदुए के दिखने से लोगों में अलग ही सिहरन पैदा हो गई कि आखिर कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया जाए। इसलिए वन विभाग पर सवाल उठता है कि अगर सूचना मिलने पर ही तेंदुआ पकड़ा जाएगा तो कैसे लोग सुरक्षित हो पाएंगे, क्योंकि तेंदुआ अचानक कहीं भी आ धमकता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।